तो गाइस यार, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी एज क्या है, आप छोटे हैं, बड़े हैं या फिर बहुत बड़े हैं। ये वीडियो सभी के लिए है और ये स्पेशली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसे आपको ट्राई करना है। ये वीडियो ऐसी है जिसके अंदर आप इस चीज को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं पॉल्यूशन फ्री होम मेड रॉकेट। और गाइस यार, यकीन मानो कि ये चीज इतनी ईजी है कि इसे कोई भी बना सकता है और इतनी ज्यादा मजेदार है कि आप इसे किसी के भी साथ में ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज थोड़ी कम है तो आप अपने बड़े भाइयों को, चाचा को, पापा को, सबको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आप उनके साथ में इस चीज को बना सके। और अगर आप थोड़े से बड़े हैं तो आप अपने घर के अंदर जो भी छोटे हैं उनके लिए इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। यकीन मानो यार, ट्राई करके देखना, कुछ पल उनके साथ बिताने को भी मिलेंगे, साथ साथ उनके चेहरे पे भी एक हल्की सी स्माइल आएगी, खुशी होगी। कुछ पल आप जो है बच्चों के साथ में इस चीज को ट्राई करेंगे तो यकीन मानो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं दुनिया का सबसे सिंपल एंड पॉल्यूशन फ्री रॉकेट। तो यकीन मानो सभी को ये वीडियो देखनी है, पूरी देखनी है, और इसीलिए इस बार तो मैं खुद कहूंगा कि इस चीज को तो आप घर पे ट्राई जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। और साथ ही साथ गाइस, इस चीज को ट्राई करते वक्त अगर आपके बच्चों के या फिर आपके चेहरे पे हल्की सी भी स्माइल आए तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो गाइस यार, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सिंपली एक 2 लीटर वाली कोका कोला की बोतल की जरूरत पड़ेगी, 2 इस तरीके के पाइप की जरूरत पड़ेगी। इस पाइप का साइज इतना होना चाहिए कि ये इस बोतल के अंदर इस तरीके से फिट बैठ जाए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कुछ ग्लू की जरूरत पड़ेगी और कुछ मोटे वाले पेपर्स की। ये जो नॉर्मल A4 साइज वाले पेपर आते हैं उनसे थोड़े से मोटे हैं, इनकी मोटाई हल्की सी ज्यादा है। ये साथ साथ ग्लू की, नॉर्मल टूल्स की जैसे कि प्लायर हो गया, ये कटर हो गया, और कैची की, और इस ब्लैक टेप की। और साथ साथ हम इस टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसकी जगह नॉर्मल ब्लैक वाली या फिर किसी भी टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं रॉकेट। तो सबसे पहले रॉकेट बनाएंगे। तो रॉकेट बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये जो पेपर है इसे लेते हैं अपन, और लेने के बाद इस वाले पाइप की सहायता से इसे इस तरीके से रोल करते हैं। देखो इस तरीके से, तो इस तरीके से फिर काट लेना है एक रोल करने के बाद में। और कहीं ये बन गया हमारा रॉकेट। तो ये खुले ना, इसके लिए हम यहाँ पर टेप कर देंगे। ये देखो यहाँ पर टेप कर देंगे। तो मैं बच्चा हूँ तो चाचे अभी मेरा है ना, चाचू अच्छे से टेप करना चाचू, रॉकेट फेल नहीं होना चाहिए चाचू अपना। तो पहला टेप यहाँ पे हो गया, दूसरा अपन यहाँ पे कर देते हैं इस तरीके से ताकि ये खुले ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने रॉकेट की बॉडी बना दी है। यहाँ पे हम इसे हल्का सा इस तरीके से नीचे करेंगे और ब्लैक टेप की मदद से इसे बंद कर देंगे। देखो जैसे कि हम कर रहे हैं इस तरीके से, देखो ये हो गया बंद, फिर इधर से, और ये हो गया। बस इतना ध्यान रखना है कि टेप इस तरीके से लग जाए कि ये एयर टाइट हो जाए, और बस इतना आसान है। ये बन गया रॉकेट। जी हाँ गाइस, ये रॉकेट है। इसे रॉकेट का शेप देने के लिए अपन 2 काम कर सकते हैं, पीछे फिन भी लगा सकते हैं और ऊपर उसकी टोपी भी लगा सकते हैं, वो अपन बाद में लगाएंगे। पहले अपन बनाते हैं लॉन्च स्टेशन, जिससे कि हम रॉकेट को लॉन्च करेंगे। तो उसे लॉन्च करने के लिए पहले तो हम, चाचा कितना काटना है इसको? एक फीट पे काटना है ना। हाँ। तो 1 फीट पे अपन इसे काट लेते हैं। चाचू किससे काटना है? चाचू इससे काटेंगे क्या? इससे आरी से काटेंगे, ठीक है। तो अपन मार्क कर लेते हैं और 1 फीट पे इसे काट देते हैं, ठीक है। अब क्या करूं चाचू? एक और काट लो। 1 फीट का काटने का चाचू? ठीक है भाई, ठीक है चाचा, 1 फीट का एक और काट लेते हैं। तो गाइस, 2 1-1 फीट के पाइप लेने हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं इस टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप किसी और टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 इस तरीके के बैंड्स की। चाचू क्या करना है आगे? तो पहले वो लगाओ, आप लगाओ, चाचू लगाएंगे, चाचा मदद कर रहे हैं मेरी, ठीक है। तो एक पहले 4 इंच का और काटो। 1 4 इंच का और काटना है क्या पाइप? हाँ। तो गाइस 1 4 इंच का, चाचा मुझे इंच विंच नहीं पता, आप बताओ ना कितना, इतना 2 अंगुल 3 अंगुल, इतना 4 अंगुल काटना है गाइस, इतना सा। तो इसे भी काट लेते हैं। हाँ, तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये 4 अंगुल का, इंचेस में समझ नहीं आता, 4 अंगुल का पाइप हमने और काट लिया है। चाचा नेक्स्ट स्टेप, तो इसे कुछ इस तरीके से लगा देंगे, और इस वाले बैंड को हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे, और इस वाले बैंड को हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे इसके ऊपर, और ये बन गया हमारा लॉन्च स्टेशन। अब इसे सिक्योर करने के 2-3 तरीके हैं। या तो हम इस ग्लू की मदद से इसे सिक्योर कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए टेप की मदद से भी इसे सिक्योर कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप ब्लैक टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसका कर रहे हैं। इसका करें चाचा? हाँ ठीक है।
तो गाइज यार ये बन गया स्टेशन, और पावर देने के लिए हम इस्तेमाल में लेंगे इस बॉटल का, और ये कंप्लीट हो गया हमारा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इसे भी हम सिक्योर कर सकते हैं ताकि यहाँ से भी एयर और हवा लीक ना हो, साथ ही साथ बोतल जो है बार बार ना निकले। तो मेरे पास देखो ये टेप खत्म हो गई है, तो मैं सिंपली इस ब्लैक टेप से ही काम चला लूंगा। ये भी इजी है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बिंगो, ये बहुत इजी है गाइस। अब आप देख सकते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे भैया यार ये काम कैसे करेगा, बना तो आपने दिया कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इसे चलाऊंगा आपको सारी बातें समझ आ जाएगी, लेकिन इसे चलाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइक कर दो यार, और इसे ट्राई जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बड़े लोग हो तुम, बड़े लोग भी नहीं समझते हैं, बोले यार छोटा है इसको भी सब्सक्राइब करेगा, छोटा भाई हूँ आपका, कर दो यार। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज बनाऊंगा आपके लिए, यकीन मानो आपको निराश नहीं करूंगा, आप बस सब्सक्राइब कर दो। अब अपन इसे चलाते हैं। तो गाइस यार बहुत आसान है, सबसे पहले इस लॉन्चिंग स्टेशन को कुछ इस तरीके से रखना होता है मिट्टी के अंदर, तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आपके पक्के मकान होंगे, इसीलिए एक जुगाड़ और किया है। ये देखो ये वाली जो बोतल है इसके नीचे हमने एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा और लगा दिया ताकि ये परफेक्टली एंगल में फिट हो जाए। अब अपन क्या करेंगे, देखो चाचा बहुत सारे रॉकेट ले आए हैं, ये सेम तरीका वैसा ही है, यही जो रॉकेट अपन ने बनाया था, बस अपन ने क्या किया है आगे इसके ऊपर इस तरीके का मुंह बना दिया है ताकि ये दिखने में रॉकेट जैसा लगे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, रॉकेट को सिंपली इसके अंदर इस तरीके से फिट कर देते हैं, देखो। और अब लॉन्च करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका, इनको हटा लो, रॉकेट लॉन्च होने वाला है, इन रॉकेट्स को हटा लो। बहुत ही सिंपल तरीका, आपको इस तरीके से खड़ा होना है, फिर ऐसे बहुत गहरी सांस लेनी, फिर जोश के अंदर एकदम से वो गया, भाई साहब मैंने भी नहीं सोचा कि इतना दूर जाएगा, ग्राउंड से बाहर चला गया, ना कोई पॉल्यूशन हुआ ना ही कुछ हुआ, और रॉकेट इतना जबरदस्त ग्राउंड से बाहर चला गया। वो दीवार कूद गया, देखो यहाँ से वो दीवार, और हाइट बहुत ही ज्यादा शानदार गया है ना, बहुत ही सिंपल यार। और गाइस साथ ही साथ ऐसी बात नहीं है कि इसे रीयूज नहीं किया जा सकता, जुगाड़ लगाओ थोड़ा सा, इसको वापस सीधा करो। गाइस ये गया फिर से रॉकेट इसके अंदर, देखना गाइस इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि कैमरा के अंदर रिकॉर्ड भी आई थिंक ये नहीं हो पा रही है। देखो सीधा हो गया, और अब चलाते हैं इसको, एक दो, वो भाई। और आप इसे जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। ये देखो बोतल को फुलाते हैं फिर से, ए लोंडो हो जाए एक रेसिंग कंपटीशन, हो जाए। ठीक है गाइस, एक कंपटीशन हो जाए कि किसका रॉकेट कितनी दूर जाता है। इसकी असली पावर दिखाने के लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, इधर से उधर चलाते हैं, दूरी से आपको पता पड़ जाएगा कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, फिर कितना पावरफुल है। उसी बोतल का यूज कर रहा हूँ, इस बार टेढ़ा लॉन्च करते देखते हैं कितनी दूर तक जाता है ना। एक दो, धमाके किए हैं, बहुत खतरनाक वीडियोस बनाई है, लेकिन इतनी सिंपल और इतनी मजेदार वीडियो बस यही है यार। लाइक कर देना, अब होएगा चैलेंज, देखते हैं किसका रॉकेट दूर जाता है। करो लौंडो रेसिंग शुरू करो, कौन जीतता है देखते हैं। ऐसे कैसे पता चल जाएगा क्या तो भाई रॉकेट किसका आगे जा रहा है? नाम लिख लो सब पे, अपने रॉकेट पे नाम लिख ले भाई। रुक जा मैं साइन में, रुक जा मेरा अच्छा लेन दे, एक मिनट। यार सभी ने अपने अपने रॉकेट फिट कर दिए हैं, अब देखना ये है कि किसका रॉकेट आगे जाता है और कौन इस कंपटीशन को जीतता है। मेरे तीन गिनते ही, एक दो तीन। नाम पढ़ो, मेरे नाम ना एक रुको, ये किसका है? एक ये रहा और एक वो रहा। तो गाइस ये सबसे आगे आया है गोविंद भाई का है ना, किसी को बोलते नहीं। तो ये है एक रॉकेट और एक यहाँ पे आके गिरा, ये देखते हैं ये किसका है। ये भी काफी दूर आया है, बस टेढ़ा आ गया।
तो विक्रम भाई जीत चुके हैं। वो पहले का है, वो पहले का है, मुझे मत सिखाओ। वे 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 शाणपति, हमसे शाणपति रुको। ठीक है, ये किसका, इसमें नाम तो है ही नहीं। अरे ये तो पहले जो वीडियो में चलाया था वो है। तो गाइज अभी जीत चुके हैं विक्रम भाई, के लिए तालियां। यार वजन के हिसाब से जीतेगा ही जीतेगा यार। सेकंड ओनर कौन है? कुछ बोलना चाहोगे तुम कैमरे में? भाई मजा आता है मेरे को जीतने में। जीतने मजा आता है। चल निकल, हार गया तो भाग यहां से। तो गाइस असली जो विजेता है वो है गोविंद भाई। तो गाइस गोविंद भाई का रॉकेट सबसे आगे गया और मैं भी, इनकी लंबाई ज्यादा इसलिए इन्होंने, और बाकी आप देख सकते हैं इन्होंने जूते भी नहीं पहने, चप्पलों से अपना कमाल दिखा दिया। और मोटा भाई वजन ही होने के बावजूद भी, लेकिन हाँ सेकंड नंबर पे ये आए हैं। चप्पल टूट गई है, कोई बात नहीं, अब दोबारा से चला सकते। बाकी देखो ये सारे जो रॉकेट स्टेशन से दोबारा लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार है। बड़ा मजा आता है, एक बार ट्राई करूँ यार, बहुत शानदार जाता है, बहुत दूर तक जाता है, और ना कुछ पोल्यूशन होता, ना किसी को लगने की डर, ना ही कुछ। ये चीज आप ट्राई कर सकते हो, बेझिझक। तो गाइस यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वापस लो, अब अपन खेलते हैं, आप देखते किसका आगे जाता है। ठीक है, लॉन्च करते हैं वापस, मजा आएगा। ये ओ भाई रोके भाई सारे चीज बढ़िया है भाई, मजा आ जाएगा। एक बार करो, करो चलाओ चलाओ, कौन क्या खींचे, चलाओ 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 बाहर भाई यार, पागल समझो एक ओ गुण गए अरे यार गलत बात है। नहीं लेकिन विनर उधर बाहर है, बाहर गया, बाहर विनर बाहर है, बाहर गया, आउट ही जो यार। अरे नाम हला नु कोने फर्स्ट चमन, तो चमन तू काई के बचावेगी के यार भाई, चमन रॉकेट चला देगा तेरा भाई, जल्दी बोल तेरा भाई चमन, और रॉकेट ही बाउंड्री पार कर दिया। लाइक कर भाई, सब्सक्राइब कर भाई। अरे भैया सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हां एक बार गए तेरा भाई चमन सब्सक्राइब कर देगा। मैं थोड़ी रो रहा हूं यार, इनको बोलो ना। हां तेरा भाई चमन आज आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलता है। बढ़िया बढ़िया, रोकेट लेके आ गया, घटना किया यार।